अमृतसर विच लखां सैलानियों की आमद रोज़ाना हुंदी है, पर इन्हां सैलानियों विचों कुछ एक मंदभागी घटना का शिकार हो जाते हैं। तो बीती 3 फरवरी नूं एक अजिही ही घटना वापरी सी, सिक्किम गंगटोक की जिहड़ी कि वासी सी गंगा माया, जिस नाल कि जदों वह अटारी वाघा सरहद तो डिटी सैरमनी देख के अपने दोस्तों वापस आ रही थी, आटो विच सी, तां स्नैचिंग का शिकार हो जाती है। तो इस छीना झपटी के दौरान उसका जिहड़ा कि सिर है सड़क पर जा वजदा है, तो उसकी मौत हो जाती है। पुलिस वालों इस मामले में 1 महीने बाद एक आरोपी नू गिरफ़्तार किया गया। DSP प्रवेश चोपड़ा साडे नाल मौजूद ने, गलबात कर लेने, पूरा मामला सर हैगी है। देखो जी, 3 फरवरी नू एक लड़की माया जिहड़ी कि सिक्किम की रहने वाली है, वो अपने दोस्त दे नाल रिट्रीट सैरेमनी देखने वास्ते अटारी वाघा बॉर्डर पर गए, जितों रिट्रीट सैरेमनी खत्म होने के बाद जो अपने ऑटो के उत्ते अमृतसर नू अप्रोच कर रहे थे, तो रस्ते में करीब 3 किलोमीटर अगे आते दो लड़के जिहड़े कि मोटरसाइकिल ते सवार सी स्नैचर्स, उन्होंने इस लड़की का पर्स खिंचया और इस पर्स खिंचन दे नाल लड़की जिहड़ी है रोड ते गिर गई, जिहदे नाल लड़की की हस्पताल जाके उहदी मौत हो गई, जो इस संबंध में असी 379B 304 का मुकदमा दर्ज किया। सो मानयोग DG साहब और SSP साहब ने बड़ा कड़ा संज्ञान लिया और दिशा निर्देश दिए कि इहदे विच जिहड़ी है एक टीम मेरी निगरानी च बनी और असी काफ़ी मेहनत करके ह्यूमन इंटैलीजेंस नूं लै के नाल लोकां नाल पुछगिछ करके अपनी सोर्सिस क्रिएट करके जिहड़े ऑलरेडी सोर्सिस सी कुछ उन्हां दी हैल्प नाल असी लोकां दी मदद नाल असी इस मुकदमे नूं ट्रेस करन दे विच कामयाब होए हां, जिहदे विच शमशेर सिंह नाम दा व्यक्ति जिहड़ा कि नारायणगढ़ दा रहण वाला है वो असी पकड़िया। उस बंदे ने इस वारदात विच जिहड़ी खोई मोबाइल सीगा, एक पर्स सीगा, वो बरामद कराया। सो उसनों अज असी कोर्ट च पेश करके मानयोग अदालत वालों असी रिमांड लैके होर भी पुछगिछ करांगे। जिहड़ा दूसरा दोषी है उन्होंने भी असी कोशिश कर रहे हैं जल्द तो जल्द उन्होंने पकड़ के ते कोर्ट च पेश करिए। सर, ब्लाइंड केस कह सकते हैं क्योंकि CCTV का सोर्स नहीं सी पुलिस को, तो पुलिस ने फिर किस तरह इतों तक पहुँच की, 1 महीना लग गया भावें, पर पुलिस ने आरोपी किस तरह गिरफ्तार किया? बिल्कुल तुहाडी गल नाल मैं सहमत हाँ कि ये बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर सी, एक तरह का ब्लाइंड एंड ब्रूटल मर्डर सी, जिहदे विच पुलिस लई भी एक चैलेंज सीगा कि असीं इस मुकदमे नूं ट्रेस करना। सो असी CCTV फुटेज भी कुछ नहीं सी मिल रहे, कोई इन्फॉर्मेशन किसी पासे नहीं सी आ रही, लेकिन जदों कहिंदे ना कोशिश करदे रहो तो कामयाबी मिलती है, मेरी टीम ने पूरी कोशिश करते रहे असी तो सानूं कामयाबी मिली। सानूं ह्यूमन इंटैलीजेंस नाल पता लगा कि इस जिहड़े बंदे शक्की तुरी फिरदे आ इन्हां नाल भी गल करो तो शायद गल बन सकती है, जो असी इस थ्योरी पर काम किया तो सानूं कामयाबी मिलेगी। सर, इस रोड पर CCTV कैमरे नहीं लगे हुए, क्या कोई प्रपोजल भेजा जाएगा भी CCTV कैमरे लगाए जाए, क्योंकि अक्सर सैलानी जिहड़े कि इस रोड पर लुट का शिकार होंगे? जी मानयोग SSP साहब के थ्रू उन्होंने पहले ही कहा कि DC साहब नाल गल करके तो इस पूरी रोड में CCTV कैमरे नाल कवर किया जाएगा ताकि किसी भी अनसुखावी घटना होने तो रोकया भी जा सके, अगर रब ना करे किसी वजह करके हो जाती है तो उन्होंने ट्रेस करने वास्ते जल्दी ट्रेस किया जा सकता। शमशेर सिंह शेरा की क्रिमिनल बैकग्राउंड की है? जी देखो जी, यह बंदे तो माड़ा ही है, तुम्हें पता है कि जोड़े लोग यह जी क्राइम करते हैं कोई चंकी प्रवृत्ति के बंदे नहीं है, ऑलरेडी इन्होंने खिलाफ एक मुकदमा दर्ज है। सो जो दूसरा बंदा पकड़ा जाएगा वो इंटरोगेशन जो गल सामने आएगी फिर आज नूं दस दिंदे। एक काम करते कोई एज कि 21-22 साल एज है जी, मेरे ख्याल वो भी 22-23 साल एज है, यदि 21-22 साल तो मतलब कुछ ज़्यादा वधिया काम नहीं करते, वेलर टाइप बंदे ने। काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों से मामला आया, CM साहब के संज्ञान से मामला आया, तो करके पुलिस ने कार्रवाई करते 1 महीने बाद भी चलो आरोपी गिरफ्तार किया। देखो मैं ता ही तुहानूं दस रहा ना कि इस मुकदमे इस वारदात कोई भी लीड नहीं सी मिल रही, चैलेंज काफ़ी वड्डा सीगा, चैलेंज वड्डा सी, ईवन CCTV फुटेज कोई कैमरा कुछ नहीं सी तुहानूं पता लग रहा कि कहड़ा मोटरसाइकिल की है, लेकिन मैं बार बार कह रहा कि कोशिश असी करते रहे, असी रुके नहीं, अपने सारे कामों के नाल नाल इत्थे विच बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत करके तो असी इस वारदात नूं पकड़ लिया, असी इस वारदात नूं ट्रेस किया। जिवें तुसीं दस रहे हो दो सीगे आरोपी, तो यह जिहड़ा आरोपी तुसीं फड़िया इह ड्राइव कर रहे सी पिछे बैठे सीगा? इह ड्राइव कर रहे सी जी मोटरसाइकिल। तो सर, सैलानी काफ़ी वड्डी गिनती विच अमृतसर पहुंचदे ने, तो उन्होंने स्नैचिंग बारे ज़्यादा पता नहीं है क्योंकि पर्स वगैरह जिहड़े कि वो हाथ से फड़े होंगे या मोढ़े ते लटकाए होंगे, क्या खास अपील करना चाहोगे या कोई सैलानियों वास्ते कुछ खास कोई स्कीम वगैरह या कि उन्होंने जिहड़े आउंदे ने इत्थे उन्होंने समझाया? देखो जी, इस संबंध में असी लोगों को उत्थे रिक्वेस्ट भी करी दी है
क्योंकि सेफ्टी सेव्स, जेकर मैं अपना बचाव रखाँगा तो ही मेरा बचाव होगा। लोगों को गाइड भी करीदा। इस तो अलावा तीन पेट्रोलिंग पार्टियां जिहड़ियां पूरी रोड के उत्ते असीं लगाईआं, इहदे नाल नाल दो गड्डियां सरकारी गड्डियां नाल चलदियां। सो साडे वल्लों पूरी कोशिश की गई है और इहदे विच फोर्स भी वधाती गई है। मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग चलती है यूनिफॉर्म के विच्च, ताकि लोगों अहसास होवे, जिहड़े माड़े अंसर है उन्होंने यह अहसास होवे कि पुलिस इत्थे तुरी फिरदी इहो जिही काम नहीं करदी। सर की अंडर सैक्शन की कार्रवाई करनी चाहिए? 379B और 304 IPC का मुकदमा दर्ज किया। दूसरा जल्द तो जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, जो गिरफ्तार हो जाएगा आप जी दसता जाएगा। बिल्कुल जी, इन्हें DSP प्रवेश चोपड़ा, क्योंकि एक चैलेंज सेगा, क्योंकि इतने की जी रोड से ये इंसीडेंट वापरिया उतने कोई भी CCTV नहीं सी, तो पुलिस ने ह्यूमन इंटैलीजेंसी तो होर भी अपने सोर्सा राही एक महीने बाद एक आरोपी जरा कि जिसका नाम शमशेर सिंह शेरा है उसनों गिरफ़्तार किया है। तो दूसरे जो साथी है उसकी गिरफ्तारी वास्ते लगातार पुलिस वालों छापेमारी की जा रही है। और गंगा माया जी कि सिक्किम गंगटोक की वासी सी उसका स्नैच किया मोबाइल तो पर्स भी पुलिस वालों बरामद किया गया। और पुलिस वालों यही आख्या जा रहा भी इस सड़क पर पेट्रोलिंग जी कि वधाई जाएगी। कैमरा परसन विपिन शर्मा, सिकंदर पसरीचा, दैनिक सवेरा TV, अमृतसर।